नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे डेज कैलकुलेट इन लेजर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लेजर निकालते वक्त डेज कैलकुलेट करना चाहते हैं सेल बिल का या फिर परचेज बिल का, तो आप उसे किस तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं विद एसक्यूएल क्वेरी। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कि आप बिजी में किस तरीके से डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट को समझ लेना है कि हमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हम चाहते हैं कि जब हम ओल्टेल करें, पार्टी का नाम टाइप करें, मान लें आज हमने पार्टी का नाम तरुण टाइप कर दिया, और जैसे ही हम तरुण डाल के ओपन करें अपने लेजर को, तो यहाँ पर हमें ये डेज बता दे कि जो बिल 1 मई को बना था आज उसे कितने दिन हो गए, जो 6 मई को बना था आज उसे कितने दिन हो गए, और जो 11 मई को बिल बना था आज उसे कितने दिन हो गए। तो हमें डेज कैलकुलेट करना है। अगर इस प्रॉब्लम को हम कस्टम कॉलम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ती है एसक्यूएल क्वेरी की। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको डिस्प्ले पे आना है, डिस्प्ले के बाद आपको क्वेरी सिस्टम पे जाना है, क्वेरी सिस्टम के बाद आपको एसक्यूएल क्वेरी पे जाना है, और सिंपल यहाँ पर अब आपको अपनी एक एसक्यूएल क्वेरी टाइप करनी है। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी बना लेता हूँ MM2 के नाम से, और इंटर मार के ओके करता हूँ। उसके बाद मैं इसे लगाऊंगा कहाँ पर, मैंने कहा इस क्वेरी को मैं लगाना चाहता हूँ कस्टम कॉलम पे, तो मैंने यहाँ पर कस्टम कॉलम लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट, मैंने यहाँ पर डेट का एक फार्मूला लगाया, तो मैंने यहाँ पर डेट ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया माइनस, और यहाँ लिख दिया मैंने पैरामीटर कि जो भी मैं पैरामीटर दूंगा उसमें से आप इसको माइनस कर देना। उसके बाद फिर आगे मैं लगाऊंगा यहाँ पर फ्रॉम रन टू, और उसके बाद अब मैं इसे पहले डायरेक्टली रन करके देख लूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे ओपन किया डायरेक्ट में, और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो देखिए एग्जीक्यूट होकर मेरे सामने आ जाएगी। अगर इसमें पैरामीटर लगा इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होके आ रही है, अगर मैं इस पैरामीटर को हटा दूं उसके बाद एग्जीक्यूट करूं तो देखिए यहाँ पर मुझे आज की डेट मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि इसे पैरामीटर के थ्रू पास करना है, तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगा कि जो भी मैं डेट सिलेक्ट करूँ उसमें से आज की डेट माइनस कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करूंगा, पी मतलब होता है पैरामीटर 1, तो मैंने यहाँ से पैरामीटर 1 ले दिया। क्वेरी टाइप के अंदर मैंने कस्टम कॉलम ले लिया, और सिंपल अब मैंने इसे क्या कर दिया सेव, कि मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद मैंने Alt+L किया, यहाँ पर अपनी पार्टी का नाम टाइप किया, और उसके बाद सिंपल कस्टम कॉलम में गया। सबसे पहले कस्टम कॉलम में गया, उसके बाद जो भी मेरा फॉर्मेट नेम था मैंने यहाँ से वो फॉर्मेट नेम टाइप किया। उसके बाद एड न्यू कॉलम पे गया, हेडिंग मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा डेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डेज लिख दिया। पोजीशन कब चाहिए, मैंने कहा अकाउंट के बाद चाहिए, तो अकाउंट कितने पर है F4, तो मैंने यहाँ पर सिंपल F4 ले लिया। टाइप में क्या रखा न्यूमेरिकल, और इंटर मार के नीचे आ गया। उसके बाद ये एसक्यूएल क्वेरी पर क्लिक करना है, ये पूछता है क्वेरी का नेम क्या है, तो हमने कहा MM2 था, और हमारा पैरामीटर क्या है, तो हमने कहा पैरामीटर F1 है, तो हमने यहाँ पर F1 ले लिया, और इंटर मार्क हमने इसको सेव कर दिया, हमारा सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद एक बार आप बैक करो, दोबारा Alt+L दबाओ, यहाँ से अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करो, जैसे इंटर मार के आप आगे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आपको डेज मिल जाएंगे। अब ये इजी तरीके से बता रहा है कि जो आपने 1 तारीख को बिल बनाया था आज उसे 24 दिन हो गए, जो आपने 6 तारीख को बिल बनाया था उसको आपको 9 दिन हो गए, जो आपकी रिसीव आई थी 10 तारीख को उसको 15 दिन हो गए, और जो आपने 11 तारीख को बिल बनाया था उसको आपको 14 दिन हो गए। तो आप इस तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर इजी तरीके से डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपको बताया कि अगर आपको बिजी में डेज कैलकुलेट करने हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।